सभी सहेलियों को जय सिया राम। तो अभी जो मैं कलेक्शन लाई हूँ, जो मैंने पहना हुआ है ट्राइबल पैटर्न का, बहुत ही प्यारी साड़ी है। इस तरह से जो है पूरे बॉर्डर पे ट्राइबल का काम आया हुआ है और इस तरह से इसका पल्लू है। और ब्लाउज़ जैसे मैंने पहना हुआ है, प्लेन आ रहा है सेम रनिंग में। तो इस साड़ी मजेंटा कलर पे है और वाइट कलर का जो है इस पे पूरा का पूरा थ्रेड इसी कलर का, हर कलर में बना हुआ है। थ्रेड में कोई कॉम्बिनेशन में डिफरेंस नहीं है। ब्लाउज़ प्लेन, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इस वीडियो में आप लोगों को साड़ियाँ दिखाऊंगी। इस तरह से जो है बॉर्डर का पैटर्न आया हुआ है और ये इसका पल्लू पार्ट है। नेक्स्ट जो है रेड कलर है, ब्लड रेड कॉम्बिनेशन है और ये इसका जो है पल्लू है। और जो बॉर्डर का पैटर्न है, आप लोग जानते हैं इन साड़ियों को, तो जो भी जिसको पसंद आ रही है साड़ी नंबर 2 जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर के भेजेंगे। तीसरा जो है इसका बॉर्डर पैटर्न और पल्लू पैटर्न डिफरेंट है, तो मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। इसमें जो है डियर और मोर के मोटिव्स बने हुए हैं नीचे, और ऊपर टेम्पल पैटर्न बना हुआ है वीविंग पे। और ये जो है इसका पल्लू पार्ट है। ब्लाउज़ जो है सेम रनिंग में प्लेन ब्लाउज़ आया हुआ है। तो साड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है, हैंडलूम वीव की साड़ियां हैं ये। बहुत ही प्यारा सा कॉपर सल्फेट ब्लू या फिरोजी कलर है और इस पे जो ट्राइबल बने हुए हैं बहुत ही सुंदर, और ये इसका पल्लू है। तो बस ये आप समझिए कि डिज़ाइन तो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ और आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से मैं आप लोगों को इनके जो हैं कलर्स दिखा रही हूँ। जो भी आप लोगों को पसंद है जल्दी से ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो इस तरह से जो है एक बॉर्डर की डिटेलिंग थोड़ी दिखा ही देती हूँ, वीडियोस पे दिख रहा है अच्छे से। एक बार बॉर्डर की डिटेल जो है दिखा ही दीजिए। तो इस तरह से जो है पूरा झोपड़ी पे पूरी डिटेलिंग देखिए, जो हम तोरण बनाते हैं एक खड़ा है, और इस तरह से मोर बने हुए हैं। ये जो है गांव में जिस तरह से किसान पेड़ पहाड़ नारियल का झाड़ जो है, ये नदी पे पुल बैल गाड़ी बनी हुई है, पूरा बैल और बैलगाड़ी एक फैमिली है। तो इस तरह से एक पूरा विलेज का सीन जो है इस साड़ी के बॉर्डर्स पे, और इस तरह से इसके पल्लू पे पूरा का पूरा जो है ट्राइबल विलेजेस का जो है पूरा डिटेल शो किया हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत है, पूरी हाथों से एक एक डिटेल बनी हुई है हमारे छत्तीसगढ़ के कारीगरों द्वारा। तो मैं इन साड़ियों को बहुत पसंद करती हूँ, चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ की इस कला को, इस आर्ट फॉर्म को आप लोग ज़रूर, एक एक साड़ी होनी चाहिए आप लोगों के पास। तो जो भी कलर पसंद आ रहा है जल्दी से ऑर्डर प्लेस कीजिएगा। तो ये डार्क ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है, सावन और हरियाली पे यूज़ हो जाता है। और ये जो है ब्लैक में बॉडी बूटी आई हुई है और बॉर्डर पे इस तरह का पार्ट है। तो वॉशी है साड़ी जो है, ड्राई वॉशी है। तो ये कलर देखिए डिफरेंस, ये जो है इंक ब्लू कॉम्बिनेशन, इंक ब्लू साड़ी है ये। नेक्स्ट ग्रीन, थोड़ा लाइटर शेड है ये, एकदम लाइट ग्रीन भी नहीं है, डार्क ग्रीन भी नहीं है, बीच का कलर है ये। तो जिनको थोड़े डिसेंट कलर्स पसंद है, ज़्यादा डार्क पे नहीं जाते हैं, तो वो भी ये कलर पसंद कर सकते हैं। ऐसे तो डार्क है, लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी इतना डार्क नहीं है। नेक्स्ट जो है ये ब्लू का काफ़ी डार्क शेड है ये, तो इंक ब्लू में ही जो बहुत डार्क जो शेड आता है वो कलर है ये। तो जिनको भी आपके पास जो शेड नहीं है, देख के जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। साड़ी नंबर मैं मेंशन कर दूंगी वीडियो पे, तो आप उस हिसाब से जो है साड़ी ऑर्डर कर सकते हैं। एक्चुअली थोड़ी दिक्कत होती है, ये जो है येलो तो बहुत ऑर्डर्स रहते हैं मेरे पास, तो येलो का जिसको भी साड़ी चाहिए होगा सिंगल पीस है, जल्दी से ऑर्डर करेंगे। ऑलमोस्ट सभी साड़ियाँ सिंगल ही हैं, तो जिनको भी पसंद आ रही है, ऑरेंज कलर है ये, तो ऑरेंज में भी थोड़ा डार्क ऑरेंज है, ब्राइट नहीं है। बहुत मैंने साड़ियाँ खरीद रखी, वो मेरा फेवरेट कलर था। ये फिरोजी कलर है, प्रॉपर फिरोजी, बहुत ही खूबसूरत सा। तो जिनको भी जो कलर पसंद आ रहा है वो जल्दी से ऑर्डर करें। ये जो है अपना ग्रीन, हम जब छोटे थे तो स्केच पेन में ये वाला ग्रीन कलर बीच में दे देते थे, लाइट सा ग्रीन है ये।
काफ़ी प्यारा सा ग्रीन शेड है, बहुत ब्राइट भी नहीं है, ब्राइट हो सकता है लग रहा हो, लेकिन काफ़ी डिसेंट कलर है और काफ़ी डिसेंट लुक पे ये साड़ी आ गई है। नेक्स्ट जो है ब्लू का ही एक शेड है, इसका डिज़ाइन डिफरेंट है, वही हिरन और मोर के मोटिव्स आए हुए हैं। तो बॉर्डर पार्ट इसका मैं दिखा दे रही हूँ, इस तरह से इसका बॉर्डर पार्ट है और ये पल्लू का डिज़ाइन। तो जिनको पसंद है ये साड़ी ऑर्डर करनी है वो ऑर्डर करें, ब्लैक हमेशा सभी का फेवरेट होता है, ब्लैक जो है कितना भी हमें मना करे नहीं पहनना, हमारा दिल जो है ब्लैक पे आ जाता है। तो ब्लैक पे जो है ये डिज़ाइन काफ़ी उभर के आ रही है, तो जिसको भी पसंद आ रही जल्दी से ऑर्डर करें। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा सा कुमकुम कलर है, हमारे साउथ में जो कुमकुम कलर चलता है या मॉव कलर बोल सकते हैं, मॉव कलर बहुत लोगों को चाहिए होता है, तो ये उस कलर पे ट्राइबल डिज़ाइनिंग है, बहुत ही प्यारा कलर है। थोड़ा मेरे बॉडी से टच करके इसलिए दिखाती हूँ, मैं सांवली हूँ तो मुझ पे जिस हिसाब से लग रहा है आप उस हिसाब से थोड़ा जज कर लीजिएगा कि कैसा लगेगा। ये येलो का शेड है, बहुत ही खूबसूरत सा शेड है। तो आप अपने वार्डरोब के हिसाब से, आपके पास जो कलर नहीं है वो कलर देख के लीजिएगा, कलर सारे अपनी जगह खूबसूरत हैं, किसी को लाइट शेड्स पसंद होते हैं, किसी को डार्क, तो अपने हिसाब से आप जो है ये थोड़ा सा गाजरी रेड कलर है, रेड है, रेड में थोड़ा गाजरी टोन है, इसमें डिफरेंट कलर है और इसका जो बॉर्डर है वही हिरन और मोर वाला पैटर्न है, ट्राइबल नहीं है और पल्लू ज़िगज़ैग पल्लू आया हुआ है। तो जिनको भी साड़ी पसंद आ रही है, पूरी हैंडलूम पे बुनी हुई साड़ियां हैं और कॉटन सिल्क जो है इनका फैब्रिक है। तो इस तरह से फिरोजी कलर पे सेम मोर और हिरन पैटर्न और ये इसका पल्लू। ब्लाउज़ जो है प्लेन है, तो ये देखिए फिरोजी के ही दो शेड हैं, ये थोड़ा सा ग्रीनिश शेड और ये प्रॉपर फिरोजी, तो दो अलग अलग शेड है फिरोजी के और दोनों ही बहुत खूबसूरत शेड हैं। के लेके आते हैं, फिर पैकिंग के पहले भी पूरा चेक करके भेजते हैं, पैकिंग भी काफ़ी अच्छे से करते हैं ताकि साड़ियाँ आपको बहुत अच्छी कंडीशंस में मिले। तो ये येलो का एक और शेड, तो तीन येलो की साड़ियाँ निकली हैं। येलो जिनको भी पसंद है वो जल्दी से ऑर्डर करें, काफ़ी सारी साड़ियाँ मैं लेके आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये छत्तीसगढ़ की जो ट्राइबल पैटर्न्स हैं ये जो है अच्छे से लोगों तक जानी चाहिए। ये रेड जो है काफ़ी अच्छा सा रेड, उभरता हुआ सा चटक ब्राइट रेड है, तो जिनको भी रेड ब्राइट चाहिए वो ये साड़ी ले सकते हैं। और ये जो है जो लोग बिल्कुल ही डिसेंट पहनना पसंद करते हैं, तो ये सीमेंट ग्रे कलर है और इस पे थोड़ा सा जामुनी कलर की जो है हिरन और मोर वाली मोटिव बनी हुई है, इसका पल्लू है और सेम ये जो है सीमेंट ग्रे भी नहीं बोल, थोड़ा गोल्डन टाइप का शेड है, डिफरेंट कलर है, बताया नहीं जा सकता। तसर में भी ये कलर मिलता है, तसर में जो डार्क शेड होता है वो यही शेड होता है। तो ये साड़ी भी बहुत खूबसूरत है, जो लोग बिल्कुल ही सोबर कलर्स पसंद करते हैं उनके लिए बेस्ट ये ग्रीन, लाइट ग्रीन है और थोड़ा कलर भी सोबर सा कलर है, फ्रेश जो घास का जो एकदम नया आता है उस तरह का जो ये ग्रीन शेड है। तो इस पे जो है ये ऑफिस वगैरह में पहनने लायक ये साड़ी है, काफ़ी डिसेंट लुक पे है कलर कॉम्बिनेशन के कारण। और ये जो है वाइन कलर या मजेंटा कलर कहना चाहिए, तो कलर जो है स्क्रीन पे जो है उसके हिसाब से आप देखिएगा। और डियर और मोर के मोटिव्स वाली डिज़ाइन है और इस तरह से इसका पल्लू है, बॉडी में इसमें बूटी आई हुई है। सभी साड़ियाँ हैंडलूम हैं, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से जो है साड़ी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो है अगेन
तो आप इस तरह से देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर सी साड़ियाँ हैं, और इस तरह से बहुत सारा छत्तीसगढ़ का हैंडलूम कलेक्शन चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए। अगर आप साड़ियाँ जैसे ग्रुप में लेना चाहते हैं 8-10 लोग मिलके, तो आप लोगों को होलसेल प्राइस में साड़ी अवेलेबल हो जाएगी। तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। जय श्री राम।